आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एज यू नो दैट कि प्रीवियस टू लेक्चर्स में हमने ऑर्डर ऑफ़ मेमर्स को डिस्कस किया था आज लास्ट लेक्चर है अबाउट ऑर्डर ऑफ़ मामर्स टोटल जो ऑर्डर्स हैं मेमर्स के वो नाइन्टीन है कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं कुछ हमने उससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए जो आज रह के हम उनके बारे में लर्न आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे आर्टियो डेक्टाइला एंड पेरिसो डेक्टाइला अनग्यूलेर हूफ्टू ऑर्डर्स आर्टियोडेक्टाइला एंड पेरीसोडाटाइला जो हूफ मैमल्स हैं आगे उनकी टू क्लासीफिकेशनस हैं आर्टिडेक्टाइला एंड पेरीसोडाक्टाइला अब हम लोग देखेंगे कि हुफ्ट मामल्स कौन से मामल्स हैं वो मैमल्स जिनके टॉस या जिनके फीट के टॉर्स पर हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हार्ड आउटर लेयरिंग के साथ उनको हम हुफ्ट फेमस कहेंगे अब सोचने वाली यह बात यह है कि वो हुक लाइक स्ट्रक्चर क्यों प्रेजेंट है वो हूक लाइक स्ट्रक्चर इसलिए प्रेजेंट है कि वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सके चाहे वो सहरा हो डेजर्ट्स हो, फॉरेस्ट हो कोई भी इकोसिस्टम कोई भी इन्वामेंट हो वहाँ पर उनको मूवमेंट के लिए मुश्किल पेश ना आए जैसे हमारे पास एग्जांपल में हमारे पास इसमें हॉर्स आ जाते हैं कैमल्स आ जाते हैं पिग्स आ जाते हैं बोथ आर्टियोडेक्टाइला एंड पेरीसोडेक्टाइला कंसिस्ट ऑफ हार्बीवोरस मीनिंग दे प्राइमरली ईट प्लांट्स जो आर्टियोडेक्टाइला और पेरिसोडेक्टाइला है ये हार्बिवोरस हैं जो इनका फीड है वो प्लांट्स हैं अब बात सोचने वाली ये है कि आर्टियोडेक्टाइला और पेरिसोडाक्टाइला के दरमियान डिफरेंस क्या है आर्टियोडेक्टाइला का जो वर्ड है वो टू वर्ड से मिलकर बना है आर्टीओस एंड डेक्टुलस आर्टियो मीन्स आर्टियो मीन्स इवन और डेक्टूलस मीन्स टॉस। इवन नंबर ऑफ टॉस प्रेजेंट ऑन द फीट ऑफ मैमल मामल इसकॉल आर्टीडक्टुलस पेरिसो मीन्स ओड एंड डुलस डेक्टुलस मीन्स टॉस जबकि ओड नंबर में जो प्रेजेंट होंगे टॉस मैमल्स की फीट या मामल्स के फूट में उनको हम कहेंगे वो है पेरिसोडेक्टाइला अनोटेबल फीचर ऑफ मैनी अंग्यूलेट इन देयर स्टमक स्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स अ स्टोरी चैम्बर इज कॉल्ड द र्यूमन द मोस्ट नोटेबल एंड इंटरेस्टिंग फैक्टर प्रेजेंट इन आर्टियोडेक्टाइला एंड पेरीसोडेक्टाइला इज़ दैट देयर स्टमक जो मोस्ट इंटरेस्टिंग बात है आर्टिडेक्टाइला में और पेरिसोडेक्टाइला में उनका स्टमक है इनके पास मल्टीपल स्टमक है जिसकी वजह से हम इनको र्यूमिनन्ट्स भी कहते हैं जो इनके पास एक स्टमक स्टोरेज है उसको हम र्यूमेंस कहते हैं एज यू नो दैट इसमें हमारे पास कैमल की एग्जाम्पल आ जाती है काओ की एग्जाम्पल आ जाती है उनके पास स्टोरेज चैम्बर होता है जहाँ पर वो अपने फूड को स्टोर कर सकते हैं इज़ीली उस फूड को फिर वो तब यूज़ करते हैं यूटिलाइज करते हैं जब उनके पास फूड की प्रॉपर अमाउंट प्रेजेंट ना हो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्डर है वो है प्रोपोसीडिया। करेक्टरसाइज पाए बोनलेस नोस और प्रोबोसिक्स जो प्रोपोसीडिया का वर्ड है वो यूज़ ही एनिमल्स कौन से के लिए हुआ है आप लोगों को नाम से अंदाजा हो गया प्रोपोसीडिया मीन्स एन एनिमल विच हैव नो नोस बोनलेस नोस बट दे हैव अ प्रेजेंट लॉन्ग टस्क मीन्स एलिफेंट जो प्रोबोसीडिया का वर्ड है वो एलीफेंट के लिए यूज़ हुआ है प्रोबोसिडिया के क्लास में एलिफेंट्स आते हैं एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट लैंड डिवेल्स अ लाइफ टूडे वइंग मोर दैन सिक्स टनस एलीफेंट वो वाद एनिमल है जो के किसी स्पेसिफाइड एरिया में रहता है जिसका वेट सबसे ज़्यादा सिक्स टन से भी ज़्यादा है इट हैज़ मोडिफाइड इनसाइजर लाइक टस्क फॉर डिगिंग अप रूट्स एंड स्ट्रिपिंग बार्क फ्राम ब्रांचेस जो इसकी टस्क है उसके ज़रिए वो रूट्स को डिग कर सकता है इसके अलावा वो बार्क और ब्रांचस को, ब्रांच को स्ट्रिप कर सकता है ईज़ीली फॉर फ्राम देयर टस्क